नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका मिशन MBBSC 2019 प्रेजेंटेड बाय जस्ट लर्न। और आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के एक स्पेशल सेशन में आपको जो रिसेंटली में अभी हाल ही में या कुछ महीनों पहले जो बुक लॉन्च की गई हैं या लॉन्च की जाने वाली हैं उन पर हम नज़र डालेंगे और देखेंगे, क्योंकि ये वो पुस्तकें हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आ चुकी हैं, जिनके आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और ये पुस्तकें जो एक एक नंबर के लिए आपके एग्ज़ाम में आ जाती हैं, और बट कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूज़न या जानकारी ना होने के कारण वो हमसे गलत हो जाती हैं। तो ये हमने स्पेशल सेशन आगामी एग्ज़ाम जो चल रहे हैं और PSC जिसका नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर लास्ट या नवंबर में आ जाएगा, तो PSC 2019 को लेकर ये हमने स्पेशल तैयार किया है। और भी जो भी आगामी आने वाले समय में और भी जो पुस्तक आएंगी और मुझे लगेगा कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, तो उस पर भी हम MCQ आपको बनाकर तैयार करके देंगे। तो चलिए आज के इस स्पेशल सेशन की शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, द कॉलिजन ईयर्स किस भारतीय राष्ट्रपति की पुस्तक है? प्रश्न पे ही मैंने ये इंडिकेट कर दिया कि जो पुस्तक है कॉलिजन ईयर्स ये किसी राष्ट्रपति की है जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं या हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं, फिर बताता हूँ और कुछ। तो ऑप्शन क्या है, रामनाथ कोविंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, वो है सी, यानी प्रणब मुखर्जी। बिल्कुल दोस्तों, हमारे जो राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, तो इन्होंने जनवरी फरवरी में एक बुक लॉन्च की थी अपनी, द कॉलिजन ईयर्स। तो इस पुस्तक के लिए इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। और एक बात और बता दूं कि जो ये पुस्तक है तो कॉलिजन ईयर्स, तो आपको पता होगा अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए थे असिस्टेंट रजिस्ट्रार MBBSC के तहत, तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। मैंने इसके पेपर्स देखे थे, तो इस क्वेश्चन को, इस बुक को पूछा गया था, द कॉलिजन ईयर्स किस की पुस्तक है। उसमें यह नहीं लिखा था किस राष्ट्रपति की, तो मैंने आपको इंडिकेट, एक इशारा देते हुए कि आप सॉल्व कर सकते हो। तो उसमें प्रश्न पूछा गया था कि द कॉलिजन ईयर्स किसकी पुस्तक है, तो आपको पता होना चाहिए द कॉलिजन ईयर्स हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, डेथ अंडर द देवदार्स पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल, ये जो इस पुस्तक के लेखक हैं काफ़ी जाने माने लेखक हैं, आपने नाम नहीं सुना होगा। तो कौन है इसके लेखक, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है आपके, पंकज मिश्रा, बॉब डिलन, हिलेरी क्लिंटन और रस्किन बॉन्ड। तो इसका सही उत्तर है आपका, वो है डी, रस्किन बॉन्ड। बिल्कुल दोस्तों, आपने बिल्कुल सुना होगा रस्किन बॉन्ड, काफ़ी फेमस जो लेखक हैं। तो इनकी पुस्तक है डेथ अंडर द देवदार्स। ठीक है, एक और इनकी पुस्तक बताना चाहूँगा जो थोड़ा पुरानी हो चुकी है, बट इसके भी आने की, क्योंकि रस्किन बॉन्ड काफ़ी फेमस लेखक हैं, राइटर हैं, तो इनकी कई सारी पुस्तकें हैं। तो एक और इनकी पुस्तक जो अभी कुछ समय पहले लॉन्च हुई थी वो है लोन फॉक्स डांसिंग। ठीक है, यानी लोन फॉक्स डांसिंग एक और पुस्तक है किसकी, रस्किन बॉन्ड की। तो ध्यान रखिएगा, डेथ अंडर द देवदार्स एंड लोन फॉक्स डांसिंग किसकी पुस्तक है, रस्किन बॉन्ड की, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, थिंक लाइक ए बिलियनेयर पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल, मतलब एक बिलियन मैन, जो एक जो बिलियन कमाता है उस व्यक्ति की तरह सोचिए। पुस्तक को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो थिंक लाइक ए, मतलब एक उस व्यक्ति की तरह सोचिए, उसकी तरह सोचिए जो एक बिलियन बिलियन होता है, बिलियन कमाता है। तो थिंक लाइक ए बिलियन किसकी पुस्तक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, मार्क जुकरबर्ग, डोनाल्ड ट्रंप, मुकेश अंबानी और बराक ओबामा। तो इसकी पुस्तक जो है और इसके जो लेखक हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल, राष्ट्रपति अमेरिका के, वर्तमान राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता होगा एक बिजनेसमैन है, इनका बिजनेस कई सारा बिजनेस है। तो इन्होंने एक बुक लॉन्च की थिंक लाइक ए बिलियनियर। इनकी एक और पुस्तक है, उसका नाम है
ट्रेड विथ मी, इसका नाम मैं बताना चाहूँगा। हाँ सॉरी गलत बोल गया मैं, उस पुस्तक का नाम है द आर्ट ऑफ द डील, दी आर्ट ऑफ दी डील। ध्यान रखिएगा, थिंक लाइक ए बिलियनियर एंड द आर्ट ऑफ द डील किसकी पुस्तक है? डोनाल्ड ट्रंप की। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ये सब आपको नॉर्मली पता होगा, बट इनकी पुस्तक भी है, क्योंकि आप सबको मैं फिर बताना चाहूँगा, एक बिजनेसमैन है तो ये पुस्तक भी लिखते हैं, इनकी पुस्तक भी है, तो थिंक लाइक ए बिलियनियर एंड द आर्ट ऑफ द डील, डोनाल्ड ट्रंप की। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न, द लिरिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल, द लिरिक्स यानी लिरिक्स जो लिखी जाती हैं, आप जानते होंगे सॉन्ग में जो लिरिक्स आप लोग देखते होंगे, तो द लिरिक्स पुस्तक भी है, तो उसके लेखक कौन है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपके हिलेरी क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, बॉब डिलन और रेस्किन बॉन्ड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी नंबर, बॉब डिलन। बिल्कुल दोस्तों, फेमस राइटर बॉब डिलन की जो पुस्तक है वो है कौन सी? द लिरिक्स। आपको बता दें कि बॉब डिलन को द लिरिक्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसके लिए, किसके लिए? बॉब डिलन को द लिरिक्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि द लिरिक्स के लिए बॉब डिलन को ग्रैमी पुरस्कार मिला था, या फिर ग्रैमी पुरस्कार बॉब डिलन को किस पुस्तक के लिए मिला था? तो द लिरिक्स के लिए। ध्यान रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी पुस्तक हिलेरी क्लिंटन की है? ध्यान रखिए है पूछ रहा है, मतलब इनमें जो ऑप्शन है उसमें एक सही होगा। हिलेरी क्लिंटन, आपको बता दें जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, उनकी मिसेज हैं हिलेरी क्लिंटन, तो वो भी अच्छे एक राइटर हैं। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन है व्हाट हैपेंड, स्ट्रॉन्गर टुगेदर, सी डीप थिंकिंग और डी ए और बी दोनों। तो इसका शायद आपने हिसाब लगा लिया होगा अपने तुक्के से, तो आपका तुक्का बिल्कुल सही कि व्हाट हैपेंड एंड स्ट्रॉगर टुगेदर दोनों हिलेरी क्लिंटन की पुस्तक है, आपको पता होना चाहिए। और जो ऑप्शन सी है वो जो डीप थिंकिंग है, इसके जो लेखक हैं डीप थिंकिंग के वो हैं गैरे कास्परोव, गैरे कास्परोव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो डीप थिंकिंग है उसके जो लेखक हैं वो गैरे कास्परोव है। ठीक है, तो हिलेरी क्लिंटन की व्हाट हैपेंड एंड स्ट्रॉन्गर टुगेदर दो पुस्तक हो गई। ध्यान रखिएगा, फेमस राइटर हैं और इनसे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न आ भी चुके हैं और आने की संभावना भी है। चलो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, इन अदर वर्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इन अदर वर्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है? अरुण जेटली, झुंपा लाहिड़ी, पायला हाइकिंस एंड सलमान रश्दी। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, वो है बी झुंपा लाहिड़ी। बिल्कुल दोस्तों, द इन अदर वर्ड्स झुंपा लाहिड़ी, आपको पता होगा झुंपा लाहिड़ी कौन है, इन्हें मान बुकर प्राइज मिल चुका है। तो इन अदर वर्ड्स इनकी हाल ही में कुछ समय पहले लॉन्च की एक बुक है, इन अदर वर्ड्स, किसकी? झुंपा लाहिड़ी की। ध्यान रखिएगा, झुंपा लाहिड़ी पर एक प्रश्न पीएससी में बन चुका है, इनकी पुस्तक पूछी जा चुकी हैं, और इनकी पुस्तक जो लॉन्च की जाती हैं या लॉन्च की जाने वाली हैं, पूछा जा सकता है इन पर। तो ध्यान रखिएगा, इन अदर वर्ड्स झुंपा लाहिड़ी की पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, फ्लड ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, ऑप्शन है क्या आपके? शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन, अमिताभ घोष, बिंदेश्वरी पाठक। तो इसका सही उत्तर है आपका, वो है सी अमिताभ घोष। बिल्कुल, फेमस राइटर अमिताभ घोष की पुस्तक फ्लड ऑफ फायर है। अमिताभ घोष की जो ये पुस्तक है फ्लड ऑफ फायर, बैपम के एग्जाम में आ चुकी है, और मेरे हिसाब में ये पीएससी के एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है, बट एग्जैक्ट याद नहीं रहा किस पीएससी में इसने पूछा था ये प्रश्न। तो फ्लड ऑफ फायर काफ़ी अच्छी जानी मानी और फेमस राइटर अमिताभ घोष की फेमस बुक है। तो ध्यान रखिए, फ्लड ऑफ फायर जो बुक है वो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न क्या है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर किस अमेरिकन राष्ट्रपति की पुस्तक है? अब
इसमें भी मैंने एक इंडिकेशन दे दिया आपको, एक क्लू दे दिया कि अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ऑप्शन देखते हैं क्या है। डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, वो है डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो राष्ट्रपति थे, बराक ओबामा। बिल्कुल, राष्ट्रपति के जो पहले राष्ट्रपति के पहले जो पद पर थे कौन, बराक ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। उनकी पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। तो बराक ओबामा इसके राइटर हैं, तो ध्यान रखिएगा, बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति टू टर्म्स के लिए राष्ट्रपति रह चुके हैं, यानी 8 साल। आपको पता होगा अमेरिका में जो राष्ट्रपति का पद होता है वो 4 साल के लिए होता है, और मैक्सिमम एक व्यक्ति 2 बार इस पद पर रह सकता है, ठीक है, टू टर्म्स के लिए। तो बराक ओबामा 2 टर्म्स के लिए राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के। तो इनकी पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, द मेकिंग ऑफ ए लेजेंड। ओके, द मेकिंग ऑफ ए लेजेंड किसकी पुस्तक है? आपके ऑप्शन है अरुण जेटली, झुंपा लाहिड़ी, विंदेश्वरी पाठक और बिमल जलान। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, वो है सी, विंदेश्वरी पाठक। बिल्कुल दोस्तों, विंदेश्वरी पाठक काफ़ी जाने माने राइटर हैं, लेखक हैं, और इनकी कुछ समय पहले बुक लॉन्च की गई थी, द मेकिंग ऑफ ए लेजेंड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से ये आया हुआ प्रश्न है व्यापम के, मैं व्यापम के प्रश्न एग्जाम्स में जो आते हैं वो देखता रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और बुक्स पर एक दो प्रश्न तो हर एग्जाम में आते ही आते हैं, पीएससी हो, चाहे व्यापम के हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एग्जाम हो। तो ये याद रखिएगा आप, तो द बैंकिंग ऑफ लेजेंड बिंदेश्वरी पाठक जी की पुस्तक है। चलिए आगे प्रश्न, अंधेरे से उजाले की ओर किस भारतीय राजनेता की पुस्तक है? बिल्कुल, प्रश्न से ये इंडिकेशन हो गया है कि ये किसी भारतीय राजनेता की पुस्तक है। ऑप्शन क्या आपके, पी चिदम्बरम, अरुण जेटली, उमा भारती एंड नरेंद्र मोदी। तो इसका सही उत्तर बता दूं आपको, वो है बी, अरुण जेटली। बिल्कुल दोस्तों, अरुण जेटली जो हमारे कैबिनेट में फिलहाल हैं अभी, तो अंधेरे से उजाले की ओर अरुण जेटली की अभी कुछ समय पहले लॉन्च की पुस्तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, द गोल्डन हाउस पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपके, वी एस नायपाल, सलमान खुर्शीद, सलमान रुश्दी और झुंपा लहरी, ठीक है, लहरी नहीं, दैट इज लहरी, ठीक है। तो द गोल्डन हाउस जो राइटर हैं वो हैं सी, सलमान रुश्दी। बिल्कुल दोस्तों, फेमस राइटर सलमान रुश्दी, आप सब जानते हैं, इन्हें मानवकर पुरस्कार जो अवार्ड मिलता है वो भी मिल चुका है सलमान रुश्दी जी को। तो इनकी जो पुस्तक है सलमान रुश्दी की, कौन सी है, द गोल्डन हाउस। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, सलमान खुर्शीद भी है एक, वो भी राइटर हैं, और सलमान रुश्दी हैं जिन्हें मानवकर पुरस्कार मिला है, और जो हर साल एक दो बुक अपनी लॉन्च करते हैं। तो इनकी अभी जो हाल ही में लॉन्च हुई कुछ समय पहले, द गोल्डन हाउस, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, द आर्ट ऑफ द डील पुस्तक किसकी है? तो शायद मैं इसके पहले डिस्कस कर चुका हूँ ये पुस्तक, तो इसका डायरेक्ट मैं ऑप्शन बता देता हूँ, ऑप्शन आपने भी खुद निकाल लिया होगा, वो है डोनाल्ड ट्रंप, द आर्ट ऑफ द डील। मैंने जब बुक की बात की थी थिंक लाइक ए मिनट, तभी आपको डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो डायरेक्ट चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, आई डू व्हाट आई डू किस आरबीआई गवर्नर की पुस्तक है? तो इसके ऑप्शन क्या है, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, विमल जलान और वाई वी रेड्डी। तो शायद आप लोगों को पता होगा, काफ़ी फेमस पुस्तक है ये, तो जो हमारे वर्तमान में उर्जित पटेल हैं, तो इनके पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे वो रघुराम जी राजन थे। आपको पता होगा रघुराम जी राजन भोपाल के हैं, हमारे मध्य प्रदेश के हैं। तो आरबीआई के जब गवर्नर थे तो इन्हें बहुत ही ऐतिहासिक काम किया अपने टाइम पीरियड में। तो इन्होंने अभी कुछ समय पहले एक बुक लॉन्च की, आई डू व्हाट आई डू, काफ़ी फेमस पुस्तक हुई, काफ़ी इनको इस चीज़ के लिए काफ़ी पब्लिसिटी मिली। तो ध्यान रखिएगा, आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन जी की पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल दोस्तों, मेकिंग इंडिया ऑप्शन जो पुस्तक है और इसके जो राइटर हैं वो काफ़ी फेमस है, और शायद आप जानते भी हैं बहुत अच्छी तरह से, कई सारे पुस्तक भी पढ़ ली होगी आपने, बट इनकी अभी हाल ही में ये बुक लॉन्च की गई है, तो शायद आपको ना एग्जैक्ट पता होगा कि शायद इस
के लेखक कौन है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन क्या है, किरण बेदी, मुकेश अंबानी, चेतन भगत और अमर्त सेन। तो इसका सही उत्तर, और आप साथ सही गेस कर रहे हैं, वो है सी, यानी चेतन भगत। बिल्कुल, चेतन भगत जो अब भी जो मॉडल मॉडल जमाने के जो लोग हैं उनके बहुत ही चहेते लेखक हैं। तो इनकी पुस्तक है मेकिंग इंडिया ऑसम, चेतन भगत जी की पुस्तक है। आपको सब आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे चेतन भगत जी को। एक और इनकी पुस्तक है जो कुछ समय और पहले लॉन्च की थी, वो शायद उसे भी आप जानते होंगे, वन इंडियन गर्ल। बिल्कुल, आप इस पुस्तक को भी ध्यान रखिएगा, वन इंडियन गर्ल एंड चेतन भगत एंड मेकिंग इंडिया ऑसम। किसकी पुस्तक है, चेतन भगत जी की, ध्यान रखिएगा। और इनकी और आप कई सारी पुस्तक जानते होंगे, टू स्टेट्स, जिस पर मूवी बन चुकी है आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर पर, और एक और पुस्तक थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, ठीक है, जिस पर शायद जो मूवी बनी थी थ्री इडियट्स उस पर, और कई सारी पुस्तक है, हाफ गर्लफ्रेंड है एक इनकी इन पुस्तक। तो इन सब पुस्तकों को आपने पढ़ा होगा। तो अभी हाल ही में जो इनकी पुस्तक लॉन्च की गई है वो कौन सी है, मेकिंग इंडिया ऑसम, और दूसरी वन इंडियन गर्ल। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसकी है, और आपके ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे जो अभी आखिरी उपराष्ट्रपति सॉरी उप प्रधानमंत्री थे, किसके शासनकाल में, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल, अब सबको पता है कि अटल बिहारी जी जो भारत रत्न है उनकी हाल ही में भी कुछ समय पहले मृत्यु हो गई है। तो जब अटल बिहारी जी का जब प्रधानमंत्री का काल था 2000 में, तो उस समय जो लाल कृष्ण आडवाणी थे भारत के उप प्रधानमंत्री थे। तो लाल कृष्ण आडवाणी की अभी हाल ही में पुस्तक लॉन्च की गई है, कौन सी, माय कंट्री माय लाइफ। ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छी पुस्तक बताई गई है, काफ़ी अच्छी सी पब्लिसिटी मिली। तो माय कंट्री माय लाइफ के लिए इनका नाम काफ़ी जाना जाने लगा, पहले भी था, अब इन को एक राइटर के रूप में भी जाना जाने लगा। तो माय कंट्री माय लाइफ के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थिंक विथ मी पुस्तक किसकी है, और इसके ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, बाबा रामदेव, रॉबिन शर्मा, सुब्रतो राय सहारा। तो थिंक विथ मी के जो लेखक हैं वो सहारा एंड सहारा कंपनी के मालिक सुब्रतो राय सहारा। आप सब जानते होंगे सुब्रतो राय सहारा, इनका हर क्षेत्र में नाम है, हर चीज़ के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इनकी कुछ समय पहले बुक लॉन्च की गई थी थिंक विथ मी, ठीक है। तो जो पुस्तक कौन सी है, थिंक विथ मी, सुब्रतो राय सहारा जी की। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नहीं, जो मुझे और कुछ रिसेंट में लॉन्च की पुस्तक मिली तो वो भी मैंने रख दिया। तो मैंने उसको ऑप्शन में नहीं, बस डिटेल में रख दिया, जिससे आपको जानकारी एग्जैक्ट प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, आपको पता होगा शशि थरूर जी का नाम आपने बिल्कुल सुना होगा। तो शशि थरूर जी जिन्होंने अभी बुक लॉन्च की है इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ठीक है। सेकंड, द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, आप जानते होंगे अरुंधति राय, इन्हें भी मान बुकर प्राइज मिल चुका है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, ठीक है। सिंपली आपको बताना चाहूँगा कि आप लुसेंट तो पढ़ते होंगे, तो लुसेंट में जो अंतिम में जो अवार्ड दिए हुए हैं तो उसमें अरुंधति राय जी को जो अवार्ड मिला है द एनरेंट ऑफ लॉस के लिए, तो ये सब वहाँ पर मिल जाएगा। बट अरुंधति राय जी की द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी फेमस है अरुंधति राय, मान बुकर प्राइज विनर है, तो प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह जी की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा ये भी। नेक्स्ट है, बियॉन्ड रिलीजन, दलाई लामा, आपको पता है धर्मगुरु जो हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में निवास करते हैं, तो उनकी पुस्तक है बियॉन्ड रिलीजन, दलाई लामा, अभी हाल ही में लॉन्च की है। और नेक्स्ट है नो स्पिन, शेन वॉर्न। बिल्कुल, नो स्पिन जो शेन वॉर्न जी की नो स्पिन है, ये अभी अक्टूबर में लॉन्च होने वाली है, ठीक है। तो करेंटली में ये प्रश्न बन सकता है, अगर स्पोर्ट पर्सन से कोई पूछे तो प्रश्न बन सकता है कि नो स्पिन किसकी पुस्तक है, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज शेन वॉर्न जी की ये पुस्तक है, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पुस्तक हैं जो लॉन्च हो चुकी हैं या लॉन्च होने वाली हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा।
तो दोस्तों ये था हमारा एक स्पेशल सेशन जो कि हमने बुक्स पर एक बार फिर से लास्ट सेशन स्पेशल जो हमने तैयार किया था वो आपको हमने स्पोर्ट्स जो पर्सन थे उन पर एक सेशन तैयार कर दिया था। और डेफिनेटली ये मेरा दावा है कि उन पर प्रश्न बन सकते हैं, तो ध्यान से उस लास्ट वाले वीडियो को भी ध्यान से एक बार फिर से कर लीजिएगा। और इस वीडियो को भी जो हमने रिसेंटली बुक जो लॉन्च की गई हैं जिन पर प्रश्न बन सकते हैं या जिन पर प्रश्न आ चुके हैं वो हमने आपको बुक्स प्रोवाइड की है और उन पर MCQ तैयार करके आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है। तो साथ में एक और बात कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और साथ में आप अपने सजेशन कमेंट्स बॉक्स में हमें दे सकते हैं और हमारे FB पेज को भी लाइक करें और उसे फॉलो करें, साथ में अपडेट रहें। और हमेशा की तरह फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ खुश होकर आगे और बढ़ें, अपने मंजिल की ओर बढ़ें, अपने टारगेट की ओर बढ़ें, पैशनेट रहें, खुशियों के साथ खुश रहें, खुश रखें और साथ में करें कुछ ऐसा काम कि दुनिया करे आपको सलाम। इसी वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।